कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में हथियार फैक्ट्री को लेकर पीएम मोदी पर ट्वीट कर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अमेठी में हथियार फैक्ट्री को लेकर पीएम मोदी ने झूठ बोला है। प्रधानमंत्री जी, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले कई सालों से वहां छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा था। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने झूठ बोला, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में जाकर कोरवा के आयुध निर्माण फैक्ट्री में एसॉल्ट राइफल AK-2003 की यूनिट का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग जगह जगह घूमकर भाषण करते रहते हैं, मेड इन उज्जैन, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा, लेकिन ये मोदी है, अब यहां बनने वाली राइफल मेड इन अमेठी के नाम से जानी जाएगी। वही राहुल के ट्वीट के बाद स्मृति ईरानी ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करते हुए राहुल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शिलान्यास नहीं, सत्यानाश किया है आपने अमेठी में। झूठ कितना बोलेंगे अमेठी वालों से? आपको डर इतना है कि अमेठी में विकास हो रहा है, लेकिन आपने ये देखने की तकलीफ नहीं उठाई कि कल कोरवा में JV का उद्घाटन हुआ था और उसके तहत भारत और रूस के बीच समझौता हुआ AK-203 राइफल के निर्माण का। तो 2010 में मैंने खुद इसका शिलान्यास किया था, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर पलटवार कर ट्वीट किया। और इसके साथ ही राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रही। स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी को जवाब दिया कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, आपको डर लगता है कि अमेठी में विकास हो रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेठी के दौरे पर थे, जहां पर उन्हें 538 करोड़ की सौगात अमेठी वासियों को दी। तो बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी था, जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर किया। आपको बता दें, राहुल गांधी का अमेठी संसदीय क्षेत्र है और उसमें नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। और लगातार पिछले 4.5 सालों से भी स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रही और इस बार कयास लगाई जा रही है कि काफी कड़ी टक्कर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी 2019 लोकसभा चुनाव में देंगी। और कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जुड़ चुके हमारे साथ फोन लाइन पे। दीपक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। जिस तरह पीएम मोदी कल अमेठी में थे और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो विकास नहीं उन्होंने होने दिया यहाँ पर अमेठी में, क्या कुछ कहेंगे? अब मोदी जी स्वभावतः जुमले फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, उसी का एक हिस्सा था। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही प्रेस करके मोदी जी क्या बोलेंगे, मोदी जी क्या कहेंगे, प्रेस के माध्यम से अमेठी की और प्रदेश की जनता को बता दिया था। ये जिन जिन चीजों का आधार तरक्की है वो कुछ ग्राम पंचायत स्तर की है, कुछ क्षेत्र पंचायत स्तर की है। हम जैसे विधायक लोग भी ऐसी किसी शिलापट पर कभी उद्घाटन करने नहीं जाते हैं जो किसी दूसरे क्षेत्र में आती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक तो प्रधानमंत्री की गरिमा खत्म किया है, दूसरे जो चीजें पहले से उद्घाटन हो चुका था, गन फैक्ट्री जहां पर गन बननी थी, बोर्ड निर्धारित नहीं थे, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, गन फैक्ट्री बनकर खड़ी है। राहुल गांधी जी और उस समय तत्कालीन देश के रक्षा मंत्री जी वहां जाकर आए थे, उद्घाटन करके आए थे, बिल्डिंगें बन गई हैं। मोदी जी ने सिर्फ उसमें एक डील की है रसिया से, जिसको बता रहे हैं कि मैंने बड़ा काम कर दिया। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ को इतनी मजबूती से बोलते हैं लोग उसे सच मान। लेकिन दीपक सिंह जी, पूछना चाहूंगी, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने भी पलटवार राहुल गांधी के ऊपर किया, कहा कि अमेठी में विकास हो रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी के अंदर डर है, क्या ऐसा कुछ है? डर उनको इस बात का है तभी झूठ बोल रहे हैं। अमेठी हिंदुस्तान की, मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद कोई में अभी तक बता दे, जितना डेवलपमेंट अमेठी में हुआ, जितने उद्योग अमेठी में लगे हैं, जितनी नौरत्ना कंपनी अमेठी में है, HL, BHL, इंडोकल, गन फैक्ट्री, उड़ान अकेडमी, उड़ान यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ऐसे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको अगर हम बताएं तो आपके चैनल पर समय कम पड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कोई सांसद बताए जिसने अपने देश के किसी लोकसभा में ऐसा किया हो, या भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनकी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी इतने दिन तक कई सारे विभाग के मंत्री रही है और लोग कहते हैं मोदी जी की बड़ी करीबी भी है, तो बताएं कौन सा उद्योग लेकर अमेठी आई है? भाषण करना उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, झूठ बोलना उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है।
लेकिन दीपक सिंह जी इस बात को भी आप नहीं नकार सकते कि पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के दौरे पर रही और लोगों से संपर्क सीधे उन्होंने साधने की कोशिश की है, तो क्या इसका अगर परिणाम देखा जाए तो 2019 में भारी पड़ सकता है राहुल गांधी के ऊपर? कोई भारतीय जनता पार्टी नेता साथ हो तो चैलेंज दे दे, भारतीय जनता पार्टी किसी बूथ का नाम बता दे कौन से बूथ पर, पहले चैलेंज देके जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अमेठी कोई बूथ जीतने नहीं जा रही है। स्मृति ईरानी जी पहले भी अमेठी जाती रही है, एंटी कांग्रेस वेव में चुनाव लड़ी है, तब 1 लाख से अधिक वोट से हारी थी। अब वेव उनके खिलाफ है, माहौल भाजपा के खिलाफ है, इनके झूठ के खिलाफ है। और स्मृति ईरानी से पर्यटन करने अमेठी गई जरूर, लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे में वापसी करती थी। अमेठी की जनता इस बात को समझती है। दूसरा, उन्होंने अमेठी में, आपको मैं योजनाओं के नाम बताता हूँ, IIIT, फूड पार्क, ट्रेनिंग सेंटर, कई ऐसे संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निरस्त हुए हैं। तो अमेठी की जनता इसका विचार चाहती है कि आपने काम तो नहीं किए लेकिन अमेठी के विकास को छीनने की कोशिश जरूर की। लेकिन दीपक सिंह जी ये बात अगर देखी जाए, यूपी अहम माना जाता है, 80 लोकसभा सीटें 2019 लोकसभा चुनावों के लिए, ऐसे में सपा बसपा ने तो पहले ही किनारा कर लिया और टक्कर देने के लिए मोदी की भाजपा पूरी तरह तैयार खड़ी है, ऐसे में कितना मुश्किल होगा आपके लिए इन सब चीजों का सामना करना? मेरे लिए उतने मुश्किल होगा जितना जब अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व की सरकार थी, इंडिया साइनिंग से लड़ना मुश्किल हुआ था, उतना ही मुश्किल होगा। क्योंकि उस समय भी ऐसे हालात थे और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, झूठ हारेगा सब जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दीपक सिंह जी जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जिस तरह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर संबोधन कर राहुल पर कटाक्ष किया था, उसके बाद से राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर पलटवार किया, ट्विटर का खेल लगातार चलता गया और इस तरह से अमेठी को लेकर माहौल भी गर्माता जा रहा है। आपको बता दें अमेठी संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी भी लगातार संपर्क साधने का प्रयास करती आ रही हैं पिछले 4.5 सालों से, ऐसे में लगता है कि कड़ी टक्कर इस बार भी देखी जाएगी लोकसभा चुनावों में।